प्रिय छात्रों नमस्कार। आशा है आप सभी लोग अपने घरों में सकुशल होंगे, मस्त होंगे और अपनी ऑनलाइन पढ़ाई को एंजॉय करेंगे। दिल्ली शिक्षा निदेशालय द्वारा आपको लगातार वर्कशीट्स के लिंक और वर्कशीट्स जारी किए जा रहे हैं। आप अपने स्कूलों से उन्हें प्राप्त कर रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में जहाँ भी आप जुड़े हों ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से। इसी कड़ी में हम आपको रोज़ाना कुछ वर्कशीट्स सॉल्व करके देते हैं या उन पर डिस्कशन करते हैं। आज इस कड़ी में हम आपके साथ 9th क्लास की हिंदी की मूल्यांकन गणपत्रक संख्या 2 को लेकर हाजिर हुए हैं। आपकी यह वर्कशीट 7 अगस्त के लिए है। इसमें आपको गद्यांश को पढ़ना है और उसके अनुसार नीचे दिए गए जो प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्न संख्या 1 से 4 तक के प्रत्येक अंक के लिए 1 अंक है और 5 से 6 तक के लिए 2 अंक हैं तथा 7 से 10 के लिए 3 अंक हैं। इन प्रश्नों को भी हमें सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न सॉरी पैराग्राफ को पढ़ते हैं। आज का युग वैज्ञानिक और औद्योगिक युग है। औद्योगिकरण के फलस्वरूप वायु प्रदूषण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा। ऊर्जा तथा ऊष्मा पैदा करने वाले संयंत्रों से गर्मी निकलती है। यह उद्योग जितने बड़े होंगे जितना बढ़ेंगे उतना ज़्यादा गर्मी फैलाएंगे। इसके अतिरिक्त ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जो ईंधन प्रयोग में लाया जाता है वह प्रायः पूरी तरह जल नहीं पाता। इसका दुष्परिणाम यह होता है कि धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा काफ़ी मात्रा में निकलती है। आज मोटर वाहनों का यातायात तेज़ी से बढ़ रहा है। 960 किलोमीटर की यात्रा में एक मोटर वाहन उतनी ऑक्सीजन का उपयोग करता जितना एक आदमी को एक वर्ष में चाहिए। दुनिया के हर अंचल में मोटर वाहनों का प्रदूषण फैलता जा रहा है। रेल यातायात भी आशातीत रूप से बढ़ रहा है। हवाई जहाज़ों का चलन भी सभी देशों में हो चुका है। तेल शोधन, चीनी मिट्टी की मिलें, चमड़ा, कागज़, रबर आदि के कारखाने तेज़ी से बढ़ रहे हैं। रंग वार्निश, प्लास्टिक के कारखाने बढ़ते जा रहे हैं। हर प्रकार के यंत्र बनाने के कारखाने बढ़ रहे हैं। ये सब ऊर्जा उत्पादन के लिए ना किसी रूप से ईंधन को फूंकते हैं और ये अपने धुएं से सारे वातावरण को प्रदूषित करते हैं। यह प्रदूषण जहाँ पैदा होता है वहीं पर स्थिर नहीं रहता, वायु प्रवाह से यह पूरी दुनिया में फैलता रहता है। तो छात्रों, आपके सामने हमने जो एक पैराग्राफ पढ़ा, इसका मूल मुद्दा है प्रदूषण और पर्यावरण से संबंधित जो चिंता है कि कैसे आप देख रहे हैं वैज्ञानिक युग आया, औद्योगिकीकरण आया, औद्योगिकीकरण में उद्योग बढ़े। तो उद्योग बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है उद्योग बढ़ेंगे, उद्योगों के में जो मशीनें लगेंगी, जो कल पुर्जे उनके चलने के लिए किसकी ज़रूरत होगी? ऊर्जा की। ऊर्जा किससे आएगी? कोयले से आएगी, लाइट बिजली से आएगी, पेट्रोलियम से आएगी, गैस से आएगी। और ये सब जब जलते हैं तो प्रदूषण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। तो ऐसे प्रदूषक निकलते हैं और ये हमारे वातावरण में जाके क्या करते हैं? नुकसान पहुँचाते हैं। और जितने भी बड़े उद्योग हैं जो ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हीं स्रोतों से गर्मी निकलती है, इसी से क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग भी ज़्यादा होती है। इसके अतिरिक्त ऊर्जा संयंत्रों से जो ईंधन प्रयोग होता है उसमें क्या होता है? जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है तो ग्रीन हाउस गैस प्रभाव होता है, तो हमारा जो वातावरण है उसमें गर्मी बढ़ जाती है। मोटर वाहन का जो ईंधन जल नहीं पाते हैं वो ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड लगाते हैं, उत्पन्न करते हैं, ये भी हानिकारक है। अब देखिए, एक वाहन 960 किलोमीटर की यात्रा में एक मोटर उतनी ऑक्सीजन का उपयोग करता है जितना एक आदमी को एक वर्ष में चाहिए। अब समझ लीजिए, अगर आप एक मोटर एक गाड़ी से 960 मतलब लगभग अगर 1000 किलोमीटर चल रहे हैं तो अनेक मतलब साल में एक आदमी को जितना ऑक्सीजन चाहिए था उतना आपने बर्बाद कर दिया। दुनिया के हर अंचल में अब ऐसे देखिए, रोज मोटर खरीदी जा रही, गाड़ियाँ खरीदी जा रही, रेल यातायात बढ़ रहा है, हवाई जहाज़ बढ़ रहा है, तो ये सब प्रदूषण फैला रहे हैं। जो तेल शोधन के कारखाने हैं, कारखाने हैं, चीनी मिट्टी है, चमड़ा, कागज़, रबड़, इन सबको ये तेज़ी से बढ़ रहे हैं और इन सबको चलाने के लिए यंत्र जो बनाने के लिए ऊष्मा की ज़रूरत होती है, ऊर्जा की ज़रूरत होती है और ये सब क्या होते हैं? प्रदूषण फैलाते हैं। अब हम चलते हैं प्रश्नों की तरफ। वायु शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा, वायु का होता है अनिल समीर, हमने 2 लिख दिए। आदमी शब्द का तत्सम रूप होगा आदमी मनुष्य। दुनिया शब्द का समानार्थी मतलब पर्यायवाची संसार। गर्मी शब्द का विलोम होगा ठंडी या ठंड।
आशातीत शब्द के ने मूल शब्द और प्रत्यय आशातीत दुष्परिणाम शब्द में उस उपसर्ग है दुष और परिणाम या दुह भी होगा इसमें फिर विसर्ग संधि से सा होता है फिर ये पूरा संधि होती है इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। धुएं में किसकी मात्रा ज़्यादा निकलती है। अब देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है धुएं में किसकी मात्रा ज़्यादा निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड की तो आप क्या लिखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड गर्मी किन संयंत्रों से निकलती है सबसे दूसरी लाइन ऊष्मा पैदा करने वाले संयंत्रों से गर्मी निकलती है यही आप लिख देंगे। चलिए आगे चलते हैं वायु प्रदूषण किस कारण से तेजी से बढ़ रहा है तो देखिए धुएं उत्पन्न करने वाले उद्योगों और औद्योगिकीकरण सिंपल सा लिख दीजिए औद्योगिकरण के कारण वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। आज का युग किस तरह का युग है सबसे पहला वाक्य ही है वैज्ञानिक और इसका है पहली लाइन में आइए वैज्ञानिक और औद्योगिक युग है तो ये देखिए आपकी हिंदी की वर्कशीटें समाप्त हो गई। आप लोग कितने स्मार्ट निकले कि जल्दी से अपनी वर्कशीट समाप्त कर ली। तो प्यारे बच्चों ऐसे ही अपनी वर्कशीट करते रहिए स्मार्ट तरीके से हम ऐसे उसको हल करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जय हिंद।